खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आज हम आपको अयोध्या में राम पेड़ी पर बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल में विराजमान भगवान काले राम जी की मनमोहक कल्याणकारी आरती के अलौकिक दर्शन कराते हैं। जानकार और तमाम संत महात्माओं का कहना है कि यहां की आरती का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ आरती में सम्मिलित होता है, काले राम भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। काले राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर के प्रमुख ट्रस्टियों में ग्वालियर के माधव गणेश लिए गए, अयोध्या के पुरुषोत्तम वैदिक उदयपुर के अनिल रघुनाथ जोकलेकर, मुंबई के धनंजय राव खेर, झांसी के विनय खांडेकर व लखनऊ के कृष्ण भागवत शामिल है। मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक राघवेंद्र देश पांडे व सहयोगी पुजारी गोपाल राव दीक्षित की देखरेख में प्रतिदिन आरती व भोग आदि की व्यवस्था होती है। भगवान काले राम जी के महत्व के बारे में मंदिर के पुजारी गोपाल राव दीक्षित की जुबानी सुने। ये काले राम भगवान जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये चारों भाई माता जानकी ऐसा राम दरबार का दर्शन है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु और सीता माता इस स्वरूप का यहाँ दर्शन है। इनकी स्थापना आज से 2000 वर्ष पूर्व श्री विक्रमादित्य महाराज ने श्री राम जन्मभूमि पर की थी और 1528 तक बाबर बादशाह के आक्रमण होने तक ठाकुर जी श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान थे। जिस समय बाबर का आक्रमण हुआ उसके पहले जो वहाँ के पुजारी थे, तत्कालीन पुजारी श्री श्यामानंद सरस्वती जी, उनको ऐसा आभास हुआ कि यवनों का आक्रमण होगा, वो मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियों को भंग करेंगे, अपमानित करेंगे, तो इसलिए उन्होंने देव विग्रह जो था, मंदिर का जो विग्रह था, उसे सरयू में समर्पित कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। तो यवनों ने आक्रमण किया तो उस समय उन्हें मूर्तियों की प्राप्ति नहीं हुई, केवल मंदिर ही तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई जो बाबरी मस्जिद कहलाई, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो वो विग्रह जो सन 1528 में नदी में विसर्जित, वो लगभग 220 वर्ष ठाकुर जी नदी में 220 वर्ष सन 1748 के आसपास की घटना है कि महाराष्ट्र के एक पंडित जी थे, पंडित नरसिंहराव मुंघे जी, वो नदी किनारे रह करके तपस्या करते थे। तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ कि नागेशन सन्निधौ तत्र मूर्ति के योजय तत्रैव मम सान्निध्यं सदा भवति तेजा। ये बगल में नागेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है, उसके पास में हमारी स्थापना करिए, वह हमारा सतत सानिध्य रहेगा, ऐसा उन्हें त्रिवार स्वप्न में आदेश हुआ। दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो नदी में गए और नदी में उन्हें ये विग्रह प्राप्त हुआ और वहाँ से ला करके उन्होंने यहाँ रखा। मूर्तियाँ प्राप्त होते समय उनके मुख से प्रथम उद्गार निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए इनका नामकरण काले राम जी हो गया। वैसे इनका नाम विष्णु हरि है, ये अयोध्या के सप्त हरियों में विष्णु हरि है। विष्णुहरि, धर्महरि, चक्रहरि, बिल्वहरि, गुप्तहरि, पुण्यहरि, सप्तहरि हैं अयोध्या में, तो जिसमें ये विष्णुहरि नाम से जब श्री राम जन्मभूमि पर थे तो विष्णुहरि नाम से पूजे। यहाँ आने के बाद पिछले लगभग 350 साल से ये काले राम जी हो गए हैं, अब हम इन्हें काले राम भगवान कहते हैं, ऐसा इनका महत्व है। ये चारों भाई माता जानकी, संपूर्ण विग्रह एक शालिग्राम शिला में है, मध्य में भगवान राम है, बाई तरफ माता जानकी हैं, दाहिने तरफ लक्ष्मणी है, एक तरफ भरत जी, एक तरफ चतुर्जी। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसुतम यत्र प्रणमामि पुनः पुनः, ये ध्यान है। इसके अलावा हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज का भी दुर्लभ दर्शन है, जो सहसा कहीं नहीं प्राप्त होता, ऐसे स्वरूप का हनुमान जी का दर्शन है। देवी स्वरूप में दक्षिणाभिमुख, अहिरावण का वध करते समय पाताल में जो स्वरूप हनुमान जी ने धारण किया था, उस स्वरूप के हनुमान जी का दर्शन हमारे यहाँ प्राप्त होता है और इस स्वरूप में हनुमान जी का दर्शन सहसा कहीं नहीं प्राप्त होता, तो ये दर्शन यहाँ है। इसके अलावा हमारे यहाँ 15 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम, ये 13 अक्षर का मंत्र 15 करोड़ संख्या में हाथ से लिख करके स्थापित किया गया है। उसके साथ चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, ये सभी धर्मग्रंथ हैं और उसकी भक्तगण परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कलयुग में राम नाम का महत्व है। गणेश जी ने एक राम नाम की परिक्रमा की थी तो उन्हें जो है अग्र पूजा का पद प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये 15 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम त्रयोदशाक्षर मंत्र है और वेद पुराण गीता भागवत के साथ इसकी परिक्रमा करने का अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा इस मंदिर का विधान है। और नित्य 5:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती है, उसके बाद 6:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, नित्य की तरह अनेक भक्त इसमें भाग लेते हैं। सायंकाल 8 बजे आरती होती है, 2 समय सार्वजनिक आरती होती है, इसके बाद रात्रि में शयन आरती और प्रातः में मंगला आरती जो कि भक्तों के समक्ष नहीं की जाती है, केवल 2 आरतियों का दर्शन श्रृंगार आरती और रात्रिकालीन आरती का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है और अनेक भक्त जो है आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती का लाभ लेकर के भगवान का पुण्य प्राप्त। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।